दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी हुईज लुकअप टूल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये एक ऐसा टूल है दोस्तों जो कि आपको किसी भी डोमेन की पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है कि वो डोमेन कब बुक किया गया, कब वो एक्सपायर हो रहा है, उसका ओनर कौन है, इसके अलावा किस होस्टिंग पर वो होस्ट है, ये भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें नेम सर्वर जो अपडेट होते हैं उसकी भी डिटेल मिल जाती है, आईपी एड्रेस वगैरह की, डोमेन की पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। आपने भी कभी ना कभी उस वेबसाइट पर जरूर विजिट किया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुईज की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये किस तरह से वर्क करती है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं एक डोमेन यहाँ पे डालता हूँ, जैसे इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डोमेन की पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, कब बुक हुआ, कब एक्सपायर होना है, पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा किस नेम सर्वर पर है, किस होस्टिंग पर है, उसके आईपी एड्रेस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और इस तरह से आपको यहाँ पे काफी सारी डिटेल इसकी देखने को मिलती है। तो ठीक इसी तरह का टूल अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी की प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप खुद का इस तरह का हुईज लुकअप टूल किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस टूल को किस तरह से बनाया जाता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जिस स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना होगा अपने होस्टिंग के सीपीएनएल पर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं, इसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है तो आप अपने ब्लॉगर पर नहीं बना सकते क्योंकि ये पीएचपी स्क्रिप्ट है। आप यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो अपना डोमेन यहाँ पे ऐड कर लेना, या फिर अगर आप इसको सब डोमेन पे क्रिएट करना चाहते हैं तो सब डोमेन पे भी कर सकते हैं। सीपीएनएल पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपने फाइल मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा एक एचटीएमएल वाली फाइल में। पब्लिक एचटीएमएल में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, और भी डोमेन अगर आपके यहाँ पे ऐड होंगे तो उसकी भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट करने वाले सब डायरेक्टरी पर, आप इसको सब डोमेन पर भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने मेन डोमेन के रूट डायरेक्टरी में एक सब डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ हुईज का, इसको ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको उस स्क्रिप्ट को अपलोड करना होगा जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको इसको अपने रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है। चलिए मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ से उस फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीएचपी फाइल हमारी रखी हुई है, इसको यहाँ से ओपन करके और इसको अपलोड कर देते हैं। चलिए इसको अपलोड होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेसिंग बताता हूँ कि आपको इसको किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलिए दोस्तों हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, चलिए इसको बैक टू होम करते हैं। और बैक टू होम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जिप अपलोड हो चुकी है। अब सबसे पहले तो इस जिप को आपको कर लेना होगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। चलिए मैं जिप को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब ये जो जिप है हमारी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ से परमानेंट डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। इसके बाद इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जितनी भी फाइल आपको मिलेंगी इन सबको आपको ऑल सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करेंगे, और मूव आपको कहाँ पर करना है, आपको अपने मेन फोल्डर में इसको हुईज के नाम से जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है, जो भी सब डोमेन आप क्रिएट करते हैं उसमें आपको इसको मूव कर देना है। चलिए इसको आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी फाइल हमारी यहाँ पे मेन फोल्डर में आ चुकी है। अब इसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिल रही है index.html, इसको आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आपको इसको यहाँ से रीनेम करना होगा, और रीनेम करने के बाद html को आपको यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है php, क्योंकि ये php स्क्रिप्ट है। इसके बाद में आपको इसको रीनेम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी index.php यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद चलिए मैं आपको अपने डोमेन को ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट किस तरह की नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और कोई एक डोमेन यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% वर्क कर रही है। जो डोमेन मैंने यहाँ पर डाला था उसकी पूरी डिटेल इसने मुझे यहाँ पर दे दी है, डोमेन नेम वगैरह, रजिस्ट्री डोमेन रजिस्टर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर इसने दिखा दी है। इसका आईपी एड्रेस वगैरह, इसकी एक्सपायरी डेट कब है वो भी यहाँ पे दिखा दी गई है। पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डोमेन की बता दी गई है, किस होस्टिंग के नेम सर्वर इसमें डले हुए वो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो जिस तरह से मैंने आपको हुईज की जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी उसका जो वर्क है ठीक उसी तरह से वर्क करती है, और इसमें भी आप पूरी डिटेल देख सकते हैं अपने डोमेन की, किसी के भी डोमेन की आप यहाँ पर पेस्ट करके उसकी डिटेल देख सकते हैं, कब वो कब उसको बुक किया गया, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, उसका ओनर कौन है, उसके अलावा किस होस्टिंग पर वो चल रहा है, कहाँ पर उसको होस्ट किया गया, सारी चीजें उसके आईपी एड्रेस वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने खुद की इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस स्क्रिप्ट की हेल्प से इजीली कर सकते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरह से इस तरह की हुईज लुकअप वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी इस तरह के लेटेस्ट ट्रिक वाले वीडियो जो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।